स्टूडेंट्स, यस सर। चलिए क्वेश्चन 24 लगा ले। मर्जी है सर। अच्छा सी, क्वेश्चन 24 इज हियर। द फॉलोइंग रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ रॉयल क्लब। ठीक है, स्क्रीन इज विजिबल टू यू ऑल? नो नो सर, बता तो दिया करो। Now see, visible? Yes sir, it is connecting. Yes sir, visible, visible. One thing tell me, on board was writing was better or it is better? It is better sir. Too better, far better? Far more better sir. Okay, see, balance sheet is given here. To balance BD, to subscription, to interest on investment, donation, admission fees, all the things are here, right? And rent, stationery, salary, match expenses, needy students, 8% investment directly they have given, prize awarded is given, and balance CD is given here, okay? And in addition information, subscription include 22,000 for 16 and 17 and 10,000 for 18-19. ठीक है, तो 16-17 previous year से related हो गया और 10,000 किससे हो गया? Advance से related. Subscription outstanding on 31 March 18 is 30,000. ठीक है ना? And stock of stationery 17 and 18 was 8,800 and 9,400 बेटा. ठीक है, तो शुरुआत इनकम एक्सपेंडिचर की किस एंट्री से करेंगे हम लोग? बाय सब्सक्रिप्शन से. ठीक है, बाकी फिर उसके बाद में जो भी ये है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, डोनेशन, एडमिशन फीस आ जाएगा. प्राइज फंड विल बी रिकॉर्डेड हियर इन ट्रेडिंग अकाउंट और इट विल रिकॉर्डेड इन बैलेंस शीट? बेटा टेल मी सर, बैलेंस शीट. So how many of you can prepare trial balance, income expenditure of this? कितने लोग बना सकते हो? Raise your hands honestly. Manpreet, only Manpreet. And others? No one can prepare. Sahiba, very good. Others? All are deferred. See, first of all, we will write entry by subscription. जिसको आता है, they start doing, and who don't know, they can see from here. Total subscription हमारे पास कितना दे रखा था? Question में देखिए जरा. The value of subscription was given in question, that is 5,06,000. कितना दिया हुआ है? थोड़ा बहुत बोल लेंगे आप लोग अगर मीटिंग में आए हैं, या म्यूट करके बैठे रहोगे? 5,06,000. ओके, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन विच इज गिवन 4,84,000. आउटस्टैंडिंग बेटा, आउटस्टैंडिंग 22,000 विच इज रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर ना, इट इज बिगिनिंग ऑफ द ईयर आउटस्टैंडिंग. और एंड ऑफ द ईयर पे जो 30,000 है, ये आपका एंड ऑफ द ईयर पे आउटस्टैंड हो जाएगा. और जो 18-19 से रिलेटेड मैंने बोला था ना अभी कि इट विल बी एडवांस, तो एडवांस जो आपका एंड ऑफ द ईयर पे होता है वो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा. सो 10,000 हमने माइनस कर दिया. ठीक है, सो टोटल फाइनल आंसर एट आउटसाइड विल बी 5,04,000. इज इट क्लियर? यस सर. तो सीधी एडजस्टमेंट दे रखिए. यस सर. After that, interest on investment is given 175. कितना दिया हुआ है बेटा? 175. What is the value of investments बेटा? Investments की value कितनी है? उसी है बच्ची तो भाई. 175. Investments की value कितनी है? अभी से बता रहे हैं. 20 lakh. क्वेश्चन से देख लीजिए, इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू कितनी दे रखी है?
20 लाख सर ट्वेंटी लाख है सर 90 लाख है 5 लाख 8% इन्वेस्टमेंट देखिए पेमेंट साइड में सर 5 लाख वो 8% इन्वेस्टमेंट 8% इन्वेस्टमेंट ठीक है ना यस सर 5 लाख एंड सी इन द फिफ्थ एडजस्टमेंट द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन 20th जुलाई वाज 20 लाख कितना था 20 हां 20 लाख तो हमारा प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है ना तो 20 लाख का 8% निकालिए कितना हो जाएगा 20 लाख का 8% निकालिए कितना हो जाएगा 8 टू जा 16 175 8 टू जा 16 1 लाख 60,000 हो जाएगा क्यों यस सर 1 लाख 60,000 एंड आफ्टर दिस आप प्लस क्या कर देंगे देखिए एडिशनल इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन इज सेइंग दैट ऑन 1st जुलाई 1st जुलाई पे 5 लाख के और ले लिए गए कितने के ले लिए गए 5 लाख के तो 5 लाख का 8% 40,000 एनुअल हो जाएगा आपको निकालना है 9 मंथ का 9/12 कर दोगे 3 3 9 3 4 12 4 1 4 तो 30,000 और हो जाएगा कितना हो जाएगा 30,000 तो 30,000 इक्वल कितना हो जाएगा 1,90,000 ठीक है ना कितना हो जाएगा 190 बट इन द क्वेश्चन इट इज गिवन ओनली 175 ही तो दिया हुआ है तो 15,000 रुपए हमने और इंटरेस्ट कमाया हुआ है तो यू विल राइट ऐड अक्रूड इंटरेस्ट राइट एंड 15,000 एंड यू हैव टू सम अप इट इज इक्वल टू 190 इक्वल 190 आपका yes. आ जाएगा समझ गए तो ये 190 कैसे आया बात समझ में आ गई सभी को यस सर accrued add करके था जो interest मतलब मैंने कमाया है interest हमारा बंद 190 रहा था but only we have got it 175 ठीक है ना तो 15,000 हमारा जो है वो accrued interest में आ जाएगा is it clear now yes, next sir. item से donation 80,000 की दी है कोई specific donation नहीं है simple donation is given so we will write here by donation 80,000 कितना लिख देंगे 80,000 मतलब था जिसमें किसी का नाम दिया हो किसने दिया है अरे नहीं दिया बिल्डिंग फंड के लिए या फिर प्राइज फंड के लिए किसी के लिए भी प्रॉपर डोनेशन मिली है ठीक है अच्छा ठीक कोमल यस सर एनी प्रॉब्लम सर प्रॉब्लम तो बहुत है कुछ नहीं समझ में आ रहा बार-बार डिस्कनेक्ट ही हो जाता बेटा आपके नेटवर्क वीक है मेरी मीटिंग तो देखिए एक बार भी डिस्कनेक्ट नहीं हुई अरे सारा सी कोठे पे बैठे हैं ता भी नहीं थे होंडे से की कर गए होना भी बहुत कुछ डाल लिया वहां गुस्सा होंडे बहुत तेज बेटा वन थिंग यू नहीं होंडे आगा आई एम टेलिंग यू वॉच द होल वीडियो ऑन YouTube After in the evening, I will upload the entire lecture on YouTube. Yesterday class I have uploaded on YouTube. If you are facing any problem here, so you can watch it again on YouTube. Okay? ओके सर हाँ कल की क्लास मैंने डाल दी है पहले की भी पढ़ी हुई है आप चैनल विजिट कर लीजिएगा वहां से देख लीजिएगा ठीक है नेक्स्ट बेटा एडमिशन फीस वाज गिवन दैट इज 60,000 सो 60,000 यू विल राइट हियर इन इनकम साइड क्लियर यस सर नाउ कम इन डेबिट साइड रेंट इज गिवेन 33,000 हाउ मच 33,000 एंड 33,000 आउटस्टैंडिंग रेंट हाउ मच ये 33,000 कितने मंथ का दिया हुआ बेटा 11,000 का तो हमें चाहिए रेंट कितने मंथ का 12 मंथ का सो डिवाइड 33/11 यू विल गेट रेंट ऑफ 1 मंथ तो 3,000 हो जाएगा सो टोटल 11 ये मंथ है जो ये 33,000 रेंट दिया गया है ना दिस यस सर फॉर 11 मंथ ओके यस सर रेंट फॉर मार्च ही जाओ तभी यहां
अलाइनमेंट दिया हुआ है। ये पता कैसे लगा ये भी देख लो, एडजस्टमेंट में देखिए लिखा गया ना रेंट फॉर मार्च इज आउटस्टैंडिंग, मतलब मार्च का रेंट दिया नहीं गया, तो जितना पेमेंट हुई है वो कितने महीने की हुई है, दिस इज फॉर 11 मंथ्स, सो 33,000 इज फॉर 11 मंथ्स, सो 33 डिवाइड बाय 11, 3000 एक मंथ का रेंट बना, तो एक मंथ ही का तो आउटस्टैंडिंग था 3000, वी विल राइट हियर, सो टोटल विल बी 36,000, ठीक है? यस सर। आफ्टर दिस वी विल राइट बेटा स्टेशनरी 45,000, we will add opening stock 8800, ठीक है, closing stock minus कर देंगे, तो final balance will be 44,400, is it clear ना? any problem till here? okay sir, नहीं sir। आगे बढ़ेंगे, बेटा salaries are given in payment side, write two salaries 272, match expenses are given, so you write two match expenses 140, after that to help to needy students राइट 97,000, ठीक है, ये भी हमारा एक्सपेंडिचर है कि जरूरत वाले बंद बच्चों को हमने मदद करी, ठीक है। आफ्टर दिस टेलीफोन एक्सपेंसेस, ये भी हमारा एक्सपेंस है, फिर डेप्रिसिएशन व चार्ज ऑन बिल्डिंग, देखिए बिल्डिंग कितने की है बेटे, 5,25,000 हो जाएगा, ठीक है। नाउ सम अप दिस क्रेडिट साइड बेटे, पूरी क्रेडिट साइड का आप सम कर दीजिए, नीचे दिया हुआ है सर 83,400 ना, दैट इज गिवन, बट यू हैव टू ऐड ना अगेन 8,34,000, एंड डेबिट का सम करेंगे, व्हाटएवर सम ऑफ डेबिट साइड विल कम हियर फ्रॉम दिस, वो डिफरेंस सर लिख देंगे उसमें, हाँ इसका सम कर लीजिए, माइनस कर दीजिए 8,34,000 से फ्रॉम हियर, and you will get 1,99,600, this will be our surplus, यहाँ पे आप 2 excess भी लिख सकते हो, ये देखिए लिखा भी हुआ है ब्रैकेट में surplus, ठीक है ना, is it clear बेटा? yes sir, problem yes sir, नीचे आंसर क्या लिखा जाएगा सर, बेटा आइए लिखा तो है, आंसर विल बी 2 excess of income over expenditure, surplus में आप 1,996 डालोगे, this is your answer, ओके सर, इज इट क्लियर टू ऑल, यस सर। फ्रेंड्स नाउ यू हैव टू प्रिपेयर बैलेंस शीट बाय योर ओन, ठीक है, बैलेंस शीट आपको खुद बनानी है, ठीक है, हाउ मेनी ऑफ यू कैन प्रिपेयर बैलेंस शीट, रेज योर हैंड्स वंस, आई वांट टू सी बैलेंस शीट कितने लोग बना सकते हैं इसकी, मनप्रीत नहीं बना पाता, सभी लेंगे, आनंद गुड, एंड वैभव, सपना, ऐश्वर्या, आनंद, रेज योर हैंड्स बेटा, मैं जरा चेक करूंगा, डोंट डाउन योर हैंड्स, लेट देम रेज हैंड एवरीवन, आई वांट टू चेक, सपना यू कैन प्रिपेयर ना, तो यू रेज योर हैंड, जय यू कैन नॉट प्रिपेयर, कोमल इज नॉट प्रॉपरली कनेक्टेड, मैं यस सर, यस सर, तो रेज योर हैंड बेटा, Thank you. Bye-bye. Take care. Okay.